हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फिटर अकेडमी में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जिसका पूरा नाम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये बिहार में जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करती है सभी जगह, वो कंपनी का नाम हो गया। अब इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन सी एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन सी सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ, और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये वैकेंसी है, और सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन CBT। ये जो एग्ज़ाम होगा मेरे बच्चों, ये जो एग्ज़ाम होने वाले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसी निकली है, उसका एग्ज़ाम किस तरह की होने वाली, CBT माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम आपका होगा ऑनलाइन माध्यम से। अब इसमें एग्जाम ड्यूरेशन कैसे रहने वाला है उसको हम एक बार समझते हैं। तो एग्जाम ड्यूरेशन देखिए, फर्स्ट पॉइंट बोलता है एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, मतलब आपका 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपको, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। और तीसरा पॉइंट बोलता है टोटल मार्क्स 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स भी 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए राइट आंसर एक कीजिएगा, एक क्वेश्चन राइट कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0 नेगेटिव मार्किंग, मतलब आप गलत भी करिएगा क्वेश्चन, जब गलत भी कर दीजिएगा तो आपको उसमें से नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन एग्जाम में मार्कर आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे और कितने नंबर का पेपर होंगे, तो चलिए इससे देख लेते हैं एक बार। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गए कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे उसका हो गया, सब मैं लिख दिया हूँ सामने, आप एक बार देख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो तैयारी करने में एग्जाम में, कि कौन सा सब्जेक्ट हम कम समय में जल्दी कैप्चर कर सके, जल्दी पढ़ सके, ताकि मेरा एग्जाम में रिजल्ट हो सके। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स। तो चलिए पहला पॉइंट है ITI टेट थ्योरी MCQ। जिस टेट से आप ITI किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन जो टेट थ्योरी है चैप्टर बुक है, उस बुक से आपको आएगा 50 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। दूसरा नंबर पॉइंट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आ गया जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब मिल कर आएगा इसमें। जनरल नॉलेज में आपको 10 नंबर आएगा, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग में भी आएगा, रीजनिंग जो आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं रेलवे वगैरह के लिए, NTPC के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम में रीजनिंग आता है, तो उसमें 10 क्वेश्चन उससे रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। हिंदी भी आएगा 10 क्वेश्चन, और हिंदी भी 10 नंबर का रहेगा। इंग्लिश भी एक इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर का है। कंप्यूटर से क्वेश्चन 15 पूछेगा, 15 नंबर का है। और टोटल ये सब क्वेश्चन को जोड़ दीजिएगा तो आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टोटल मार्क्स को जोड़िएगा तो 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, मतलब हो गया 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा क्वेश्चन बनाकर आइएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया थ्योरी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड टोटल मार्क्स। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आई नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।